हे गाइस व्हाट्सअप। सो आज हम अपनी एक नई गेमिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जाने वाले हैं हॉगवर्ट्स की दुनिया में, और यहाँ पे हम प्रोफेसर फिक के साथ आए हुए हैं जो कि एक हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर हैं। और हमारा कैरेक्टर जो है वो एक स्पेशल एडमिशन है जो हॉगवर्ट्स में फिफ्थ ईयर में एडमिशन लिया है। हमने अपनी पैकिंग कर ली है पूरी, अपने पास वॉन्ड्स वगैरह सब हैं, और अब शायद हम दोनों जाने वाले हैं हॉगवर्ट्स में। और यहाँ पे कोई एक आदमी आ गया है ऑसरिक नाम का, जो प्रोफेसर फिक को जानता है। अपना कैरेक्टर बिल्कुल हैरी पॉटर की तरह दिखता है। Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. और अभी हम तीनों बैठ चुके हैं। ये आदमी किसी को देख रहा है पीछे, पर हमें दिखाया नहीं गया है किसको देख रहा है। और हम अभी तीनों के तीनों जाते हैं हॉगवर्ट्स की तरफ। और यहाँ पे अपने पूरे वार्नर ब्रोज और इनकी पूरी नेम्स वगैरह आ चुके हैं। तो गाइस देखने में तो गेम बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी ग्राफिक्स वगैरह बहुत सही लग रहे हैं। बाकी अभी तो हम हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं कैरिएज में, और पीछे हमारा आउल भी है। मैं कभी कभी सोचता हूँ इसमें सामान गिरता क्यों नहीं है, ऐसे बुक्स वगैरह रखी हैं वो गिरती क्यों नहीं है इनमें से। यस सर, आई एम स्टार्टिंग स्कूल एज अ फिफ्थ ईयर। हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। गाइज ये भी चौंक गया है कि हम फिफ्थ ईयर में कैसे एडमिशन ले रहे हैं। तो गाइज ये जो आदमी है, ये इससे हमें पता चल रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में ही एक काम करता है। The headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat. और ये हमारे पास न्यूज़पेपर में दिखा रहा है कि रेनरॉक नाम का एक बंदा है जो कि गोब्लिन है, वो हमारे लिए थ्रेट है। यहाँ पे कुछ ड्रैगन वगैरह देखता है अपन ने, पर वो वापस चला गया है। Who alerted me to his activities months ago? Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably. ये हमें बता रहा है कि कुछ सामान जो इसने निकाला है, ये बॉक्स सा, ये बता रहा है कि ये खुल नहीं रहा है, और ये जो अपना प्रोफेसर फिग है, इसकी वाइफ ने इसको दिया था। तो हमें अभी कुछ ग्लो होता हुआ दिख रहा है उस पर, पर इन दोनों को नहीं दिख रहा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। और गाइस इसमें से तो एक चाबी कुछ निकली है, और सब चौंक गए कि हुआ कैसे, और वो ड्रैगन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया पूरा।
और शायद वो मिस्ट्री वाला बंदा नीचे गिर गया और क्या हुआ। अच्छा इसने खा लिया ड्रैगन ने उस आदमी को ही खा लिया भाई। यहाँ पे तो तीन चार ड्रैगन्स हैं। अब शायद हमें कूदना पड़ेगा यहाँ से। हाँ अपनी चाबी भी निकल गई है और वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें कुछ राज छुपा हुआ है और वो मिल गई और हम टेलीपोर्ट हो गए कहीं। तो गाइस हम एक कहीं अनजान जगह पे टेलीपोर्ट हो गए। You're hurt. Perhaps a bit. और हमारे शायद पैर में लग गई है पर इन्होंने कुछ पोशन टाइप कुछ दिया है प्रोफेसर ने। अब देखते हैं इसको पी के। गाइस वो जॉर्ज नाम का बंदा वो तो ड्रैगन ने ही खा लिया उसको और वो बेचारा मारा गया। यहीं हमारी हेल्थ भी बढ़ गई है वापस। गाइस हम एक गुफा टाइप तो कहीं पे हैं और अभी हम खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। गाइस वो जो हमारे पास एक चाबी है वो कुछ पोर्ट की करके कुछ उसका नाम है तो वो हमें देखना है कि वो कहाँ पे लगती है वो चाबी। मेरे को देखना है एक बार। सर वेयर आर वी? आई एम नॉट श्योर बट दैट की यू डिस्कवर्ड वाज क्लियरली अ पोर्ट की। पोर्ट की एन आइटम एन्चेंटेड टू ब्रिंग हूएवर टचेस इट टू अ स्पेसिफिक प्लेस। आई एम फीलिंग बेटर सर इफ यू like to look around a bit. I would, but stay close. We've no idea who created this port key or why. तो गाइज हम गुफा के तो बाहर आ गए हैं और हम एक अनजान सी जगह पे और इस यहाँ तो बहुत सारा पानी है समुद्र के पास है और साइड में एक वाटरफॉल भी है। सामने कुछ तो है बिल्डिंग पर वो पूरी टूटी हुई है रुइंस है कोई से। दिस हैज नॉट बीन द डे आइदर ऑफ अस एक्सपेक्टेड बट मरियम सेंट दैट पोर्ट की टू जॉर्ज फॉर अ रीजन एंड आई बिलीव दैट शी And now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. और हम अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। हम एकदम पतले पतले से रास्ते हैं, इन पे हमें जाना पड़ रहा है। फिर भी देखो ये दोनों के दोनों भगे जा रहे हैं। गाइस कुछ ही बोलो अपना ये जो प्रोफेसर है इसमें दम तो है, उम्र हो गई है फिर भी भक्का भक्का जा रहा है। मरियम स्पेंट इयर्स सर्चिंग फॉर एविडेंस ऑफ अ लॉन्ग फॉरगॉटन फॉर्म ऑफ एंशिएंट मैजिक। एंशिएंट मैजिक? यस, अ पावरफुल मैजिक वील्डेड बाय अ रेयर फ्यू दैट सीम्स टू हैव बीन लॉस्ट टू टाइम। Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, guys, अभी तो मैं गिरते-गिरते बच गया, और हम अभी हमें एक दूसरा रास्ता मिला है जिसमें हमें जाना है। But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Guys, यहाँ पे एक रास्ता है पर शायद ये बंद हो रखा है और कुछ तो ये बर्फ जैसा कुछ है मेरे लिए बर्फ कुछ। पर शायद ये कुछ मैजिक करके इसको करेंगे। Focus on the center. Yes.
Excellent. अभी हम फिसलते हुए चले गए पूरा, और हाँ हम फिसल गए थे। प्रोफेसर अब भी देखो भगते जा रहा है, भगते जा रहा है। यहाँ पे कुछ तो ये पॉट्स टाइप हैं जिसको मैं फोड़ता जा रहा हूँ, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। अभी हमें यहाँ पीछे से आना है वापस। हम तो जल्दी से चढ़ गए, प्रोफेसर भी जल्दी से चढ़ गए। We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo. यहाँ पे प्रोफेसर कुछ तो मैजिक कर रहा है, और ये शायद इस पूरे ब्रिज सा बना रहा है वहाँ पे रास्ते के लिए, जो कि देखो गाइस कितना ही शानदार लग रहा है ये बना कर रहा है जब। और गाइस इसने पूरा ब्रिज एक बार में बना दिया है। Almost there. गाइस यहाँ पे पॉट्स बहुत सारे हैं जो कि मैं फोड़ता आ रहा हूँ, एक मजे आ रहे हैं, पर इनमें से कुछ मिल नहीं रहा है अपन को। I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. भाई यहाँ दीवार पे कुछ तो कार्विंग सी हो रही है कुछ अपने यहाँ पे, और अभी हमारे पास शायद मैप आ गया है अपना वापस। अब अपन मैप से देखते हुए जाएंगे। गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है इसको देख के जैसे कोई है और आदमी, और वो पॉट में कुछ तो कर रहा है एक, और यहाँ पे एक दूसरा है जो एक टेलीस्कोप से आसमान को देख रहा है। गाइज अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं यहाँ से जाऊँ कहाँ, क्योंकि ये पूरा रास्ता ही, ना तो ये दीवार फूट रही है और ना कोई रास्ता अभी पता चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे साइड से तो जा रहा है एक रास्ता, हाँ शायद यही रास्ते पे अपन को जाना था, और मेरे को पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ पे जाना है, और मैं इतनी देर से वहाँ टाइम वेस्ट कर रहा था। That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? गाइज हमें वही एक बार वापस से एक चीज़ है जो चमकते हुए दिख रही है, जो हमें उस पोर्ट की वाले सामान पे दिख रही थी, और यहाँ पे तो अंदर एक कमरा सा है कुछ। अभी हमें शायद इसके साथ कुछ करना है और देखते हैं क्या होता है। Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. और ये कांच बन गया, कांच से वापस दीवार हो गई है। और अच्छा गाइज हम उसी हॉल में आ गए हैं, हाँ ये वही हॉल है जिसमें हम वापस आ चुके हैं। हेलो
यहाँ पे तो एक गोब्लिन है जो कि सो रहा है, और चलो अब हम इसे उठाते हैं। और ये उठ चुका है और अभी तो ये देख रहा है कि ये कैसे इस जगह पे, मेरे को लगता है कोई आता नहीं होगा और हम ही आए हैं। Just a moment. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Guys, ये Gringotts Bank तो वहाँ Diagonal Alley में था ना? तो ये दूसरी जगह पे कैसे आ गया? Diagonal Alley से कैसे आ गए यहाँ पे? The key. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. तो गाइज हम इसको दे रहे हैं अपनी वो चाबी, और हमारा शायद वॉल्ट नंबर 12 है जिसमें हमें जाना है। यहाँ से कुछ तो कार्ट टाइप आ रही है जो कि पूरे ट्रेन वाला मैकेनिज्म पे फॉलो कर रही है, और अभी हम इस पर बैठते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाइस ये बोल रहा है अगर अपन ने हाथ बाहर निकाला तो हमारे हाथ ही कट जाएगा या कुछ हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा सेफ्टी से बैठना पड़ेगा अपन को। How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few. यहाँ पे अपन पूरा जाइज आ रहे हैं और देखते हैं। अपन वैसे बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं इस गाड़ी में, हमने देखा है। अपन बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, और आप अगर टायरों को देखोगे तो देखो वो पूरे घूम रहे हैं। They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. गाइस हम बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुके हैं, पर फिर भी अपना वो वॉल्ट नंबर 12 अभी तक आया नहीं है। और ये बता रहे हैं कि वॉल्ट नंबर 12 सबसे पहले बना था, तो वो सजा सबसे ज़्यादा नीचे पार्ट में है पूरे बैंक के। These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. शायद हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक और गोब्लिन है जो कि शक्ल से ही आरामी लग रहा है, पता नहीं क्यों। Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. गाइस वो गॉब्लिन भी कहीं चला गया है, हमें देख के वो जा रहा है कहीं से। और उसके जो हाथ था जो उसने बैंड पहन रखा था वो भी वो कुछ ब्लैक कलर के से में ग्लो हो रहा था। तो गाइस हम वॉल्ट नंबर 12 पे अपने आ चुके हैं। Here we are. आगे चल के देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। इस वॉल्ट में कोई खजाना शायद मिल सकता है अपन को। In that time, no one has visited Vault 12 until today. गाइस इसने चाबी तो लगा दी है, और क्या ही सही तरीके से ये गेट खुला है, देखिए। गाइस पर वहाँ अंदर जाने से पहले यहाँ पे एक चेस्ट मिला है मेरे को, और चेस्ट में से शायद कुछ कुछ गोल्ड कॉइन टाइप कुछ मिला है मुझे।
ये शायद यहाँ की करेंसी है, जैसे हैरी पॉटर सीरीज में दिखाई गई थी वैसी ये शायद है। I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Guys, हम दोनों ही रह गए इस वॉल्ट में। उसने बताया कि उसको परमिशन मिली हुई है कि वो जा नहीं सकता है, अंदर सिर्फ दिखाई सकता है बाहर से। यहाँ पे तो गाइस पर कुछ नहीं है, पर सामने कुछ दीवार चमक सी रही है, मेरे को अभी दिखी थी। अभी हम अच्छा अब हम एक नई स्पेल सीख रहे हैं जो रिवेल्यू करके कुछ तो है। और यहाँ पे मैं एक बार फेल हो चुका हूँ, देखते हैं अब हम वापस कर पाते हैं या नहीं। और हम वापस फेल हो चुके हैं, मुझे समझना पड़ेगा ये कैसे होता है। तो गाइज अब हम वापस कर रहे हैं और शायद मैं अब समझ चुका हूँ ये कैसे होता है, पर अपन हमारी स्पीड कम रह गई जिस वजह से अपन फेल हो गए वापस। पर मेरे को पक्का पता है इस बार अपन कर लेंगे ये। तो गाइज हमने ये स्पेल तो कर लिया है रेवेल्यू, अब देखते हैं इस स्पेल से क्या होता है। तो गाइज वही सामने वाली दीवार पे हमें कुछ दिखा है और यहाँ पे गेट टाइप है कुछ और वही चमक सा रहा है वापस, वही चीज है। Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover Revelio. The secret of this vault. Lead the way. Revelio. तो गाइस अपने हाथ लगाते ही एकदम अंधेरा सा हो गया और हमने ल्यूमोस तो कुछ तो करा, एक नया मैजिक है जिससे अपन को लाइट मिलती है, एक तरह से टॉर्च का काम कर रहा है शायद ये। Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again. गाइज हमें वापस कुछ चमकता हुआ दिखाया वहाँ जमीन पे और इस बार तो ये चमक बहुत ज़्यादा रहा है। गाइज यहाँ तो कुछ वही कार जैसा और ये अंदर क्या आदमी जमा हुआ है या जाने कुछ तो है, ये किसी तरह का कुछ स्टैचू टाइप है शायद ये। और ये पर जमीन के अंदर है, हमें देखना पड़ेगा कि इसको ऊपर कैसे लाएं। That statue? What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume. तो गाइस हमने वापस रेवेल्यू करा और वो स्टैचू ऊपर आ चुका है वापस। अब हमें देखना पड़ेगा इसके पास जाके कि हम ये क्या कर रहे हैं। बस ये हम पे अटैक ना करते। गाइस पे तलवार देखो एक बार आप। ओके हम तो वो अब वापस टॉर्च वाला मैजिक सीख रहे हैं एक, और देखते हैं हम पहली ट्राई पे कर पाते हैं या नहीं। हाँ गाइस हमने कर लिया पहली ट्राई पे। तो गाइज हमने भी टॉर्च जला लिए एक तरह से ल्यूमोस करके, और ये जमीन पे कुछ तो आया था अभी शायद जितना मेरे को दिखा। हाँ ये लाइन्स आ रही हैं एक, शायद हमें इस लाइन को फॉलो करना है। और ये खड़ा हो चुका है स्टैचू और इसने कुछ तो करा है और स्टैचू आ गया जिससे। गाइज लगता है अब अपनी फाइट होने वाली है बहुत। तो गाइज इसने हमें अटैक कर दिया हमारे ऊपर, पर हमने मैजिक करके अपनी एक आस पास एक शील्ड बना ली है और लगता है अपना प्रोफेसर ही इन सबको ढेर कर देगा।
गाइस ये लोग आते ही जा रहे हैं और हमारा इनसे बचना मुश्किल सा हो पा रहा है, पर देखते हैं अभी क्या। ये तो बहुत सारे आए जा रहे हैं और इन पर ज़्यादा डैमेज भी नहीं लग रहा है मेरा, तो अपना प्रोफेसर ही इनको मारे जा रहा है। गाइस मेरे को लगता है मुझे दूर रह रहे के इनसे फाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं पास में जाऊँगा तो मेरे शॉट मार देंगे। और हमारे प्रोफेसर ने इन सब की बैंड बजा रखी है, पर ये आए जा रहे हैं तो हमारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है इनको मारने में। गाइस यहाँ पास आते ही बहुत सारे लोग पास आ जा रहे हैं, तो जिससे हम पे अटैक हो जा रहा है। और मेरे को लगता है मेरे को डिफेंस का कुछ सीखना पड़ेगा। हमने गाइस प्रोफेसर के दिए हुए पोशन से हील तो कर लिया है, पर ये तो हमें मारे जा रहे हैं और हम मरे जा रहे हैं, पर ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। लगता है गाइज मैंने कुछ तो सीखा जिससे मैं इनके खिलाफ डिफेंस कर पा रहा हूँ। तो प्रोटेगो नाम की कोई स्पेल है जिससे मैं इनको डिफेंस कर पा रहा हूँ, पर वो मुझसे यूज़ हो नहीं रही है। हाँ अब की बार हुए प्रोफेसर और मैं, हम दोनों मिलके इसको मार दें। गाइज मेरे पोशन भी ख़त्म हो चुके हैं और लगता है कि मैं ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, पर हम लोग बच चुके हैं अभी। और एक प्रोफेसर भी कहीं गायब हो चुके हैं, पता नहीं क्या हो रहा है गाइस, पर अपना प्रोफेसर भी गायब हो चुके हैं और हम अब अकेले ही जा रहे हैं। आसपास भी हमारे कुछ नहीं है, पर ये कुछ लाइट आ रही है, शायद हमें लाइट को फॉलो करना है। और यहाँ पे एक और चेस्ट पड़ा है, देखते हैं इसमें से क्या मिलता है। वही कॉइन्स मिले हैं गाइस इसमें से भी, हमें लाइट को फॉलो करना है शायद। गाइस यहाँ भी एक वैसा ही है जो पहले था, जहाँ पे स्टैचू था। और गाइस वही सेम चीज़ है, यहाँ भी स्टैचूज हैं नीचे। लगता है हमें इनसे भी फाइट लेनी पड़ेगी। Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. गाइस ये अभी हमें तो कुछ कर नहीं रहे शायद। हाँ हमें वापस इस लाइट पे जाना है, पर ये एक तो खड़ा हो गया, पर ये पता नहीं क्या हो रहा है जिससे हम तीनों एक साथ नहीं हो पा रहे। अच्छा हमें तीनों के एक जगह पे खड़ा रहना पड़ेगा जिससे हम तीनों को एक साथ खड़े हो पाएँ और हम इनसे मार सकें। तो गाइस ये तीनों खड़े तो हो चुके हैं और अभी हम इनसे लड़ रहे हैं, पर हम अभी अकेले हैं और प्रोफेसर थे तो उनने तो हमारी बहुत हेल्प करी थी, पर अभी हम अकेले तो हमारा लगता है कि हम ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर देखते हैं जितना देर कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे और लोग आ चुके हैं,
पर गाइस मैं इनसे बहुत देर से लड़ रहा हूँ और मेरे को लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ बिल्कुल कम हो चुकी है। मैंने एक नई स्पेल और सीखी है प्रोटेगो के साथ वाली, जिससे स्टन तो हो पा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, पर लगता है अब मैं मरने वाला हूँ। और हाँ गाइज मैं मर गया, अब मेरे को शायद इनको वापस मारना पड़ेगा शुरू से। तो गाइज मेरे को शायद वापस स्टार्ट करना पड़ रहा है, पर अब की बार मैं इनको 100% हरा दूंगा क्योंकि अब मेरे को ट्रिक आ गई है कि कैसे इनसे लड़ना है। और मैं इनसे अब की बार दूर दूर रह के लड़ूंगा ताकि ये मेरे ज़्यादा पास नहीं आ पाए क्योंकि इनके पास सॉर्ड ही है। तो गाइस मैं इनको एक एक करता मारता तो जा रहा हूँ और सिर्फ अभी दो ही बच रहे हैं, अब बस ये एक लास्ट बच रहा है और शायद इसको मारते ही अभी ख़त्म हो जाएगा या और आएंगे। गाइस कोई दिख तो नहीं रहा, हाँ हम अपनी फाइट में जीत गए हैं और हमें अभी वापस लाइट के पास जाना है। गाइस हम किसी और स्ट्रक्चर के पास तो आए हैं और ये एक अलग ही स्ट्रक्चर है कुछ, तो वापस वही दीवार में हो रहा है। और यहाँ पे एक गेट आ चुका है गाइस, हम गेट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ तो ये कुछ टब जैसा है जिसमें कुछ तो और कुछ बोतल सी हवा में उड़ रही है। और गाइस क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? प्रोफेसर फिग हमें गाइस वापस मिल चुके हैं और ये पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो हाँ गाइस ये वही पेंसिव है जिससे अपन मेमोरीज देखते थे हैरी पॉटर सीरीज में, और शायद इसके अंदर मेमोरीज होंगी जो हमें डालनी पड़ेंगी इसमें। That is no mere basin. That is a pensieve for viewing memories. I wonder. Follow my lead. गाइज हम अब उसकी मेमोरी देख रहे हैं जिसने भी इसमें डाली थी अपनी मेमोरीज। तो यहाँ पे कोई तो मैजिशियन है और ये मेरे को पता नहीं क्यों वही लग रहा है जिसकी अपन ने बाहर अभी रूइंस में पेंटिंग जो दीवार पे कार्विंग हो रखी थी उसमें से जो दो जने थे जो एक टेलीस्कोप में देख रहा था गाइज, उनमें से एक ये परसिवल नाम का शायद वही है और इसी ने ये पूरी जगह बनाई है जिसमें हम अभी इतनी देर से लड़ रहे हैं और टेलीपोर्ट हो चुके थे। You are ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. तो गाइज ये अपनी वही दिमाग से मैं से मेमोरी निकालता हुआ डाल रहा है और मेमोरी ख़त्म हो चुकी है। That's what you're seeing. तो गाइज उसने बताया है कि जो भी एक तरह से कि ट्रायल टाइप है और अगर जो भी इसको पार करेगा वो विच या विजार्ड जो भी है
वो एक तरह से वर्दी होगा और उसके वो कुछ भी कर सकता है। तो गाइस प्रोफेसर फिग बता रहा है जो इसकी वाइफ मरियम थी वो भी इसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए गई थी पर वो डिस्कवर नहीं कर पाई और वो मारी गई। Died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Guys, यहाँ पे वही goblins आ चुके हैं और ये शायद वही Renrock है जिसकी अपन ने newspaper में photo देखी थी। चलो अब इनकी बातें सुनते हैं। Renrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. तो गाइस जो हमें वॉल्ट नंबर 12 दिखाने लाया था इसे Renrock ने उसको कुछ मार दिया है। वो एक अच्छा गॉब्लिन था। I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. गाइस प्रोफेसर ने इस पे कुछ तो अटैक करा है पर उस पे कुछ असर ही नहीं हुआ। उसने कुछ तो अपने आर्मर जो पहन रखा है उस पे कुछ उतर लिया था उसने। और वो पेन से पता नहीं क्या जमीन में चला गई और एक तरह से ये तो कोई वॉरियर टाइप कुछ तो निकला है जिससे शायद ये हमारी मदद कर रहा है। गाइज लगता है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा और ये प्रोफेसर फिर मेरे को लगता है वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा जोश आ रहा था पर अब ये पता नहीं क्या इसके पैर ही नहीं हिल रहे हैं। तो गाइस हम बाल बाल बचे हैं और हम शायद एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो गए हैं वापस। Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. तो गाइस ये प्रोफेसर फिक बता रहे हैं जो वो Renrock नाम का गॉब्लिन था वो इनके मैजिक से बिल्कुल असर नहीं हो रहा था उस पे। गाइज इससे पता चलता है कि हम एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कैरेक्टर है और जो कि एक तरह से देख सकता है कई सारी चीज़ें जिस जो और दुनिया नहीं देख सकती। Come. We have a sorting ceremony to get to. और गाइस हम तो हॉगवर्ट्स में आ चुके हैं और ये पूरी वाइब आ चुकी है हॉगवर्ट्स की मैजिकल वर्ल्ड की। अब जाके देखते हैं कि क्या होगा। तो गाइस मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो हॉगवर्ट्स वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं अगले वीडियोज़ में के हॉगवर्ट्स के अंदर कैसा रहेगा और हमारी क्या क्या एडवेंचर्स रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।